कहते हैं रक्तदान महादान होता है। यह रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। उसी को लेकर आज करवा महोत्सव के साथ साथ आज इनकम टैक्स डे है, उसी को लेकर जो इनकम टैक्स के आला अधिकारी हैं उन्होंने जो पेड़ लगाने की एक मुहिम भी शुरू की है रक्तदान के साथ साथ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो पेड़ लगाने की इन्होंने मुहिम शुरू की है और एक दूसरे को जो पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन धमीजा जी। ये आज इनकम टैक्स दिवस के उपलक्ष्य में आज अम्बाला रोड पर जो इनकम टैक्स ऑफिस है उसमें एक रक्तदान शिविर लगाया गया जी। काफ़ी युवा लोग भी और बड़े भी बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं जी। हमें भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और क्यों ना हो, बड़ा ही दान, बहुत ही अच्छा काम है ये वाला जी। क्योंकि कहा जाता है कि जीते जीते रक्तदान और मृत्यु उपरांत नेत्रदान जरूर करना चाहिए जी। और आजकल इतनी व्यस्त जिंदगी के अंदर हर कोई तरह तरह की बीमारियां हैं और बीमारियों के बाद इतनी सर्जरीज हो रही हैं, इतनी सर्जरीज के अंदर खून की आवश्यकता तो बहुत ज़रूरी है। किसी की मदद भी हो जाती है और साथ में अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसके लिए, और 3 महीने के अंदर वैसे भी कवर हो जाता है सारा सर। इसलिए समय समय के अनुसार रक्तदान कर देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो जिस समय रक्तदान करते हैं उससे कुछ कमजोरी वगैरह भी कुछ फील? नहीं, कोई ऐसी कमजोरी नहीं आती जी, उल्टा शरीर के लिए बहुत बेनिफिट होता है। कई तरह के बीमारी है हमारे शरीर, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी के कोई थायराइड है या किसी का और भी कई समस्या है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, रूटीन से हम करते रहेंगे तो मेंटेन रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार। मेरा नाम विशाल सतीजा है, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करता हूँ और आज बड़े सौभाग्य से हमारे डिपार्टमेंट को ये मौका मिला कि हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर पाएँ। आज तक कभी डिपार्टमेंट में कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्या खासकर ऑफिस में, बट वी आर सो ब्लेस्ड टू ऑर्गेनाइज दिस कैंप और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के बहुत इसमें हिस्सा लिया है। जैसे कि अभी बता रहे थे हमारे साथी कि युवाओं ने भी और थोड़े और एज पीपल ने भी बहुत ज़्यादा रक्तदान किया है। अभी तक 30-40 यूनिट्स के अराउंड हो चुका है और अभी और 20 यूनिट्स का और हमें उम्मीद है कि और हो जाएगा। और कितनी कितनी जगह पर यह जो इनकम टैक्स डे के उपलक्ष्य में जी, J&K, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़, इन सब में ही लगभग 42 शहरों में ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि IT गोवा इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज और ITF की तरफ से हो रहा है ये ऑर्गेनाइज कैंप। और सब जगह ही जो रिपोर्ट आ रही है, जो कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में चेक कर रहे हैं, उसमें सब में ही लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है सब जगहों पर। तो ये आयोजन है जो बिल्कुल एक सफल आयोजन है, जिसकी हमें उम्मीद थी उससे बढ़ चढ़ के लोग आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द डोनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। और लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम अगर डोनेट करें और एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि वीकनेस के लिए? वीकनेस तो ऐसा कुछ खास फील नहीं, अभी मैंने ब्लड डोनेट किया, उससे पहले भी मैंने कर चुका हूँ मैं ब्लड डोनेट। ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आपको 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको फील नहीं होता कि आपने कोई ब्लड डोनेट किया है, और उसके बाद आपको जैसे हाथों हाथ रिफ्रेशमेंट ले लेते हो आप, तो उससे वो थोड़ा बहुत रिकवर कर जाता है। और बट ये है कि पूरा 24 घंटे में वो ब्लड आपका वो पूरा रिकवर कर जाता है। उसी दिन भारी काम नहीं करें, अदरवाइज़ वैसे ब्लड डोनेट करने के बाद ऐसे कुछ कमज़ोरी ऐसे कुछ फील नहीं होता है। और ब्लड डोनेट करना, जैसे कि अभी बता रहे थे साथी, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको भी थोड़ी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम जो है वो डेफर हो जाती हैं, वो आती नहीं एकदम से जल्दी। अगर जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं वो उनको ये जो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, BP ये बीमारियाँ जो हैं वो आती नहीं है अगर आप ब्लड डोनेट करते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्लड डोनेट करने का एक और फ़ायदा है कि आपका जो ब्लड है वो क्लियर होता रहता है, साफ़ होता है, वो चीज़। मेरा नाम रोशन लाल सैनी, आयकर अधिकारी कैथल जी। और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है किसी पक्ष पर क्या क्या? ये हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट रीजन में 4 स्टेटों में हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, इन स्टेटों में 42 स्थानों पे आज रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है। और ये शिविर आज़ादी के अमृत महोत्सव व आयकर दिवस जो हमारा 24 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में यहाँ आयकर कार्यालय कैथल में रक्त शिविर का आयोजन किया गया। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है, वो कहाँ से? यहाँ पर ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल कैथल से आए हैं और इसमें लगभग 30-40 के करीब रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है और डॉक्टरों की टीम में 15 सदस्य हैं। नहीं, ब्लड आयकर डिपार्टमेंट ने आज अपने इनके आयकर दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड
कैंप का आयोजन किया है। इसमें बड़े अच्छा रिस्पांस दिया डोनर्स ने, लगभग हमारे पास 30 से 40 डोनर आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं जी। हाँ, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ब्लड डोनेशन? हम उनको ये कहते हैं ये बहुत ही नोबल वर्क है, क्योंकि जो यहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसको, ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी लेडीज़ को और जिनको अनीमिक को थैलेसीमिया पेशेंट जिनमें एप्लास्टिक अनीमिया जिनका ब्लड नहीं बनता उनको चढ़ता है, और हम वहाँ फ्री जो सिविल हॉस्पिटल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही चढ़ाते हैं इसको।